लेता रहेंगे, पुरानी पैसों की लेता रहेंगे। एनपीएस नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तुहाडा बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। जिहड़ा पेंशन महान सम्मेलन हो रहा है, ये रेल कोच फैक्टरी कपूरथला दे विच आर सी एफ इंप्लाई यूनियन फ्रंट अगेंस्ट एन पी एस इन रेलवे वालों हो रहा है। मैं जनरल सैकटरी इंडियन रेलवे इंप्लाईज फैडरेशन इन्दे विच शामिल होए हैं, और इन्दा मुख मकसद जिहड़ी पुरानी पेंशन स्कीम है उन्हूं बहाल करवाउणा है, एन पी एस जिहड़े आ उन्हूं रद्द करवाउणा है। 2004 दे विच जिहड़ा है ये कानून पास करके जिहड़ा है इन्हां साथियों के उत्ते जिहड़ा है जिहड़े 2004 तो बाद भर्ती होए ने उन्हां नूं उन्हां दी जिहड़ी पेंशन जिहड़ी है वह उड़ा दित्ती गई। इस करके इंडियन रेलवे इंप्लाईज फैडरेशन जिहड़ी है लगातार ही उस समय तो लैके असी लगातार जगह जगह जाके लोगों नूं जगाउण दा काम कीता, और इस बारे च दस्या कि ये किवें पेंशन जिहड़ी है जिहड़े कि बुढ़ापे दे जिहड़ा है वह सहारा हुंदी है घर दे वी, तां ही किसे नूं जिहड़ा है वह मनदे आ जे अगर उन्दे कोल कोई पैसा है, जे उन्दे कोल खाण नूं कुछ है तां ही उन्दी सेवा होएगी, नहीं तो बजुर्गी दे विच आ के अपना बुढ़ापा जिहड़ा असीं रोल लवांगे। सो इस मुद्दे नूं लै के असीं 2013 तों जिहड़ा एक संगठनिक तरीके दे नाल जिहड़ा रल के जिहड़ा असी स्टेटा दे इंप्लाईज, रेलवे दे इंप्लाईज, सेंट्रल गवर्नमेंट दे इंप्लाईज सब नूं एक प्लेटफॉर्म दे उत्ते इकट्ठा करन दा काम जिहड़ा वह इंडियन रेलवे इंप्लाईज फैडरेशन ने किया। फ्रंट अगेंस्ट एन पी एस इन रेलवे साथी अमरीक सिंह जी की अगवाई दे विच इस मुहिम नूं जिहड़ा पूरे देश दे विच जिहड़ा वह फैलाया, और अज 6 स्टेटा दे विच जदों या तो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो गई है या बहाल होने के कंडे ते है, उनका प्रोसैस चल रहा है, और उन्होंने लैके 1 तरीक नूं जिहड़ा दिल्ली दे विच जिहड़ी है एक बहुत वड्डी जिहड़ी है वह रैली कर होण जा रही है, जिंदे विच टोटल गवर्नमेंट इंप्लाईज, स्टेटा दे इंप्लाईज जिहड़े है वह सेंट्रल गवर्नमेंट दे इंप्लाईज 1 दिन जिहड़ा है जी दिल्ली दे विच इकट्ठे होण जा रहे हैं, जिंदे विच घट्टो घट 10 लख दी गिणती दे विच लोक होणगे, जिंदा विच सीधा सीधा संकेत है कि अगर इस सरकार ने साडी गल ना मन्नी तो उन्हूं 2024 दे इलैक्शनां दे विच सीधे तौर पर जिहड़ा वह खमियाजा भुगतना पएगा। ये घट्टो घट 5 करोड़ लोग बनते हैं इंप्लाई, उन्हां दे परिवार उन्हां दे रिश्तेदार मिला के असी 5 करोड़ तो उपर बनते हैं। अगर 5 करोड़ लोगों ने एक फैसला कर लिया तो ये सरकार जिहड़ियां ये नहीं टिक पाणगियां। सो तुहाडे माध्यम राही, मैं मीडिया के माध्यम राही ये गल जिहड़ी है सेंटर सरकार नूं कहना चाहुंदा कि ये तुरंत जिहड़ा है ओ पी एस नूं बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन नूं बहाल कर किया जाए, इन्दे ऑर्डर जिहड़े है वो छेती करने चाहिए आ, इस रूल नूं जिहड़ा तुरंत कैंसल करना चाहिए जिहड़ा न्यू पेंशन स्कीम दा। सो इस करके इंडियन रेलवे इंप्लाईज फैडरेशन जिन्ने जोनों के काम कर रही है रेलवे के अंदर वो अलग जगाउण दा काम, जिन्ने गैर मानता प्राप्त संगठन ने उन्होंने एक मंच से लियाउण दा काम जिहड़ा वो असी कर रहे हैं, असी एक मंच से लियाउण दा काम केवल वोटां दे लई नहीं असी संघर्ष दे लई कर रहे हैं। सो साडी ये बेनती है, साडी उन्हां सारे संगठनां नूं बेनती है जिहड़े गैर मानता प्राप्त ने वो आओ एक झंडे थले इकट्ठे होके इहो जिहा होका मारीए, और इहो जी जिहड़ी हैंकड़बाज सरकारां ने उन्हां दा मूँह जिहड़ा मोड़ीए। धन्यवाद जी। सुखजीत सिंह ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਅੱਜ ਫਰੰਟ ਅੰਗੇਸਟ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਇਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ
उन्होंने समेत परिवार सदा दिता गया, क्योंकि जिहड़ा पुरानी पेंशन का मुद्दा है ये इकला मुलाजमान का मुद्दा नहीं, ये उन्हां परिवारों का मुद्दा है जिन्हां दे परिवारों के बच्चे जिन्हां दे पिता जिन्हां दे बेटे अज NPS दे विच काम कर रहे ने, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिहड़ा आने वाली नौजवानी के भविख नाल जुड़िया होया मुद्दा है। सो लगातार पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए देश भर के अंदोलन चल रहा है। नैशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इको एक अजिही जथेबंदी है जो केंद्र ते राज सरकारां दे मुलाजमां दे नाल इकट्ठे होकर केंद्र नाल लड़ाई लड़ रही है। तो असी अज इस मंच तो केंद्र की सरकार नूं ये चेतावनी दिंदे आ कि जेकर 1 अक्तूबर तो पहला पहला तुसी कोई पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली दे विच कोई फैसला ना लिया तो 1 अक्तूबर नूं देश भर के राज सरकारां दे मुलाजम केंद्र सरकार दे मुलाजम इकट्ठे हो के दिल्ली आ रहे ने। जेकर तुसी 1 अक्तूबर तो पहला पहला पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली ना की तो इन्हां मुलाजमान का जिहड़ा विद्रोह होएगा जिहड़ा रोस होएगा केंद्र सरकार के प्रति वह मोदी सरकार तो ठल्लिया नहीं जाएगा। जिहड़ा सम्मेलन है पुरानी पेंशन बहाली दे लई परिवारां समेत साडे RCF दे कर्मचारी जुड़े ने तां कि सरकार दे उपर दबाव पाया जा सके कि लोग पुरानी पेंशन स्कीम पहुँच चाहते ने। 1 अक्तूबर असी NMOPS के बैनर तले दिल्ली दी बरूहां ते दस्तक देनी है। भारत सरकार नूं यह चैलेंज करना कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। इस करके असी RCF के परिवारों को अज सद्दा दिता सी कि यह इशू सिर्फ कर्मचारियों का नहीं है परिवारों का इशू है, आओ ये ते सांझे होके लड़िए। इतों दिती हुई जिहड़ी ताकत है सानू दिल्ली जाने के लिए होर हौसला देगी और दिल्ली दे विच गई हुई भीड़ जिहड़ी है वो साडी जित यकीनी बनाएगी। ये इस प्रोग्राम कराउण दा साडा अज मकसद है। लगभग 80 लाख कर्मचारी जोड़े NPS के मारे हुए ने, NPS तो पीड़ित ने। कोई कर्मचारी ये नहीं चाहता कि असं NPS के रहना चाहते हैं। सारे कर्मचारी 101% कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग करते हैं और सरकार के कोलों से अपील करते हैं मोदी सरकार के कोलों कि कर्मचारियों के बुढ़ापे की पीड़ा को समझते हुए वो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम जी बुढ़ापे की लाठी है वो बहाल की जाए। पंजाब तो साढ़े CPF इंपलाई यूनियन के साथी जलंधर तो कपूरथला तो सुल्तानपुर लोधी साहब तो पहुँचे ने। रेलवे के साढ़े साथी दिल्ली तो गाजियाबाद तो पटियाला तो जींद तो और होर बहुत सारिया थावां तो ईवन के रायबरेली MCF तो साढ़े साथी पहुँचे ने, होर बहुत सारिया जगह तो पहुँचे ने और असी साड़ी कोशिश है कि इतों एक मैसेज जोड़ा वो पूरी भारतीय रेल तो पूरे देश के जाओ। बिल्कुल 2018 के साडे कोल बदल कोई नहीं सी हैगा, परंतु अज साडे कोल बदल है। कांग्रेस पार्टी जिन्हें 2003 के नवी पेंशन स्कीम नाँ का कानून बनाया सी, PFRDA एक्ट नूं कानून बनाया सी, वही कांग्रेस 2023 ये गल का ऐलान कर चुकी है कि असी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करांगे। अगर सरकार मोदी सरकार इस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम की मांग नूं नहीं मानती तो कर्मचारियों के कोल अजे विकल्प मौजूद है बदल मौजूद है तो फिर कर्मचारी अपनी सट मारनगे वोट की चोट नाल ते इन्हां सत्ता तो बाहर करनगे। पहली गल असी पंजाब सरकार दे इस काले कानून का जबरदस्त विरोध करते हैं। कर्मचारी हड़ताल कदे सौंक नाल नहीं करते, उन्हां दी मजबूरी बनाई जाती है। असी ऐसमा लाउण दा पंजाब दे विच पूरे तौर पर विरोध करते हैं। इदां दे काले कानून किसी भी सूरत दे विच नहीं लगने चाहिए। जे भविख दे विच भारत सरकार इदां दा कोई काला कानून लागू करती है तो असी उहदा डट के विरोध करांगे, उहदे लई जिथे तक भी जाणा। A to Z समस्या दा समाधान मियां करीम खां, कॉल या व्हाट्सएप करो 99150-90403। किसी भी तरह का होवे काम 11 घंटियां च फटाफट 101% समाधान गरंटी कार्ड दे नाल। काले इलम दी काट साडे कोल, पति पत्नी अते प्रेमी प्रेमिका वस च करवाओ। कीता कराया जादू टोना, मनचाया प्यार, वशीकरण मुठकरनी करवाओ या तुड़वाओ। नौकरी कारोबार च रुकावटां, सोतन दुश्मन तो छुटकारा, घर च खून दे छिट्टे आने, बच्चियां दा पढ़ाई च मन ना लगना, प्रेमी प्रेमिका दा 100% वशीकरण करवाओ। घर बैठे हर समस्या दा समाधान सिर्फ 11 घंटियां च।